Hey, this is Lisa. मुझे काफी questions औरतों से मिलते हैं orgasm के बारे में, जिन्होंने orgasm कभी experience नहीं किया है, and they want to know how they can have one. While मर्दों के लिए orgasm पहुंचना relatively आसान लग सकता है, for women orgasm काफी mysterious लग सकता है. So if you're a woman और आपने कभी orgasm experience नहीं किया है, you are not alone. सबसे पहले let's quickly understand कि orgasm actually है क्या. हिंदी में ऑर्गेज्म को चरम सुख कहते हैं एंड दैट एक्सप्लेन्स इट परफेक्टली बिकॉज चरम का मतलब है एक्सट्रीम और सुख का मतलब है प्लेजर. ऑर्गेज्म एक इंटेंस प्लेजर की फीलिंग है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान महसूस हो सकती है. ऑर्गेज्म सेक्सुअल प्लेजर का क्लाइमैक्स होता है जिसकी वजह से हार्ट बीट और ब्रीदिंग तेज हो सकती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ओह माय गॉड. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑर्गेजम्स फॉर मेन बहुत सिंपल है और वुमेन्स ऑर्गेजम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इजंट कम्प्लीटली ट्रू. हम इसलिए ऐसा सोचते हैं बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन टू थिंक ऑफ सेक्स एज जस्ट पेनिट्रेशन. और फैक्ट ये है कि मोस्ट वुमेन के लिए ऑर्गेज्म पहुंचने के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन काफी नहीं है. ये कंडीशनिंग बचपन से ही शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में बायोलॉजी में जब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते थे, तब मेल बॉडी पर टिपिकली पीनस लेबल किया रहता था, लेकिन हमें वुमेन सेक्सुअल प्लेजर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता. फॉर एग्जाम्पल, क्लिटरिस का नाम भी हमें कभी नहीं बताया होगा. मेल एजैक्युलेशन मीनिंग हिज प्लेजर यूजुअली गेट्स अ नोटेबल मेंशन. इसलिए बहुत यंग एज से मेन नो दैट प्लेजर और ऑर्गेज्म उनके लिए सेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं रोकती. लेकिन फॉर वुमेन सेक्स के बारे में काफ़ी अलग चीज़ें बताई जाती हैं. फॉर अस सेक्स इज ओनली सपोज टू बी अबाउट हैविंग बेबीज एंड नॉट ऑर्गेज्म्स. That's not true. If we were told that clitoris को stimulate करना औरतों के लिए orgasm पहुंचने का एक काफी effective तरीका है, just like men learn about their penises, then शायद हमारे orgasms भी हमें इतनी complicated नहीं लगते. Instead, we are told nothing about how women's bodies work in relation to pleasure, and as a result, सिर्फ मर्दों को ही नहीं औरतों को भी फीमेल बॉडी और प्लेजर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती. अक्सर औरतें सेक्सुअल प्लेजर एक्सपेक्ट भी नहीं करती, जैसे कि इट्स आस्किंग फॉर टू मच. लेकिन सबसे पहले हमें खुद को ये पता रहना चाहिए कि हमारी बॉडी कितने प्लेजर के काबिल है. Also, unlike men who get to see their own penises several times a day, हम अपने वल्वा और वजाइना को ढंग से कभी देख भी नहीं पाते. बहुत मुश्किल है अपने आप को देख पाना because of where our genitals are located and the fact that they are always covered. इसलिए अगर आपने अब तक ये नहीं किया, तो next time जब आपके पास खुद के साथ बिताने के लिए आधा घंटा भी हो, प्लीज एक हैंड मिरर लेके सिट या लाई डाउन और अपने सबसे इंटीमेट पार्ट्स को अच्छे से देखें. Unlike our school textbooks, internet bhara pada hai with properly labeled diagrams of the female genitalia, jo aapko samajhne mein aasani kar sakta hai about what is what. Uske baad take some time ye samajhne ke liye ki what arouses you. Apne khud ke sharir ke saath comfortable ho jaye aur ye janne ki koshish kare ki what makes you feel relaxed and turned on. वाइब्रेटर के साथ मास्टरबेट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है और अराउज्ड होने के लिए रीडिंग इरोटिका कैन आल्सो हेल्प. कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल लग सकते हैं आपको अपनी बॉडी और प्लेजर को समझने में. हर औरत की एक अलग और यूनिक सिस्टम होती है फॉर प्लेजर एंड अराउजल. सो टेक योर टाइम टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स फॉर यू. और जो भी आप अपने प्लेजर के बारे में जाने, अपने पार्टनर को भी बताना चाहिए. एक दूसरे के साथ ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने से सेक्स काफ़ी बेहतर हो सकता है. ऑल्सो सिंपल चीज़ें जैसे कि फॉरप्ले और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना पेनिट्रेशन को भी ज्यादा इंजॉयबल बना सकता है. लेकिन रिमेम्बर कि सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है. औरतें काफ़ी तरीकों से ऑर्गेज्म पहुंच सकती है, ना सिर्फ वैजिनली और क्लिटरली, बट इवन वाया स्टिम्युलेशन ऑफ द ब्रेस्ट, ईयर्स, द माउथ, द बैक एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर एरियाज. हर किसी के बॉडी में अलग अलग सेंसिटिव एरियाज होते हैं एंड इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग व्हाट दोज आर फॉर यू.
काफी कल्चर्स में इंक्लूडिंग आर ओन वुमेन को ऐसा सिखाया जाता है कि सेक्स उनकी सिर्फ ड्यूटी है जो अपने पति के प्लेजर और बच्चे पैदा करने के लिए पूरी करनी है। फीमेल सेक्सुअलिटी का आइडिया ही हमारी सोसाइटी में स्वीकार नहीं होता। वुमेन डिजर्व टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेक्सुअल बीइंग्स और हमें हमारी बॉडी और सेक्सुअलिटी के बारे में सही जानकारी पाने का हक है। सेक्स किसी एक ही पार्टनर की ड्यूटी थोड़ी ना है। सेक्स दोनों पार्टनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लीव मी अ कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून।